Let's do question number 20 of exercise 3F, that is linear equation 2 variable. Question number 20 is find k for which the system this is inconsistent. हमें ये k की value निकालनी है जिससे ये पता चले कि k की ऐसी कौन सी value रखें कि इन दोनों equation की inconsistent solutions हो. Inconsistent का मतलब होता है no solution, कोई भी solution ना हो. हमें पता है कि क्या कंडीशन होती थी नो सॉल्यूशन की, तो उससे पहले हम अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं. हमारे इक्वेशन थी x प्लस टू वाई इक्वल्स टू थ्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और 5x प्लस के वाई प्लस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. तो हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे इसको. तो x प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और 5x प्लस के वाई प्लस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. राइट, अब हमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन निकालने थे. तो इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन. तो फॉर कोई भी सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, ए वन अपॉन ए टू is equals to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, right? तो a1 क्या आ गया, a1 आ गया 1, a2 आ गया 5 x के coefficients, b1 आ गया y के coefficients, b2 आ गया k, c1 आ गया minus 3 और c2 आ गया 7, right? अब values put कर देते हैं. वैल्यू पुट की, 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन के बट नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 7. तो अब दोनों कंडीशंस फुलफिल करने के लिए दोनों कंडीशंस लिखेंगे. एक बार ए वन अपॉन ए टू रखेंगे बी वन अपॉन बी टू के इक्वल, और दूसरी तरफ ये हमें पता चल जाएगा कब नो सॉल्यूशन होगा और कब नहीं होगा, नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. तो देखिए ए वन अपॉन ए टू था 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 अपॉन के, और यहाँ पे बी वन बी टू की वैल्यू रख दी इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 7. राइट, अब देखते हैं, ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो के इक्वल्स टू 2 इंटू 5, दैट मीन्स के इक्वल्स टू 10 आ गया हमारा. राइट, अब हमें ये देखना है नॉट इक्वल टू में क्या आएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस थ्री के इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 7 इंटू 2, तो ये के कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 7 इंटू 2 अपॉन माइनस 3, दैट मीन्स के इज नॉट इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 3. राइट, तो हेंस above equation has inconsistent solution kab hoga, when k is equals to 10. answer, देखिए बुक में ये 2 अपॉन 5 दे रखा है, बुक में गलत दे रखा है, बिकॉज अगर आप इक्वल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई में k की मल्टीप्लिकेशन 1 से और 5 की मल्टीप्लिकेशन 2 से ही होगी, तो दिस विल बी द आंसर.